जिला सैनिक बोर्ड के सचिव कर्नल प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत चल रहा है। इस ऑपरेशन में जवान की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हवलदार शहीद दीवानचंद की इस शहादत को हम सलाम करते हैं। शहीद दीवानचंद के पीछे उनके दो बेटे व पत्नी हैं। कर शोक शर और एक एक्रोन फर। हम भारतीय सेना की ओर से इनको गार्ड ऑफ ऑनर देने आए हैं। वो एक रस्म है जो हर सैनिक को मरणोपरांत दिया जाता है, तो उसी के लिए हम आए। आज हम सब यहाँ वीर शहीद दीवानचंद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी शहादत को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ आज बैठे हुए थे। दीवानचंद जी सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ कैंप, जो कि बहुत ही दुर्गम और दुनिया में सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स है, सियाला कॉम्प्लेक्स, उसमें एक पोस्ट पर तैनात थे जी। वहाँ का जो टेम्परेचर है आजकल -60 डिग्री के आसपास रहता है। वहाँ पर जो है रहना और क्लाइमेट से लड़ना जो है दुश्मन से लड़ने से ज़्यादा है जी। हमारे बसी गांव में शहीद जो हमारे सूबेदार दीवान सिंह दीवानचंद जी, ये हमारे भाई हैं और बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं। सियाचिन के अंदर लद्दाख में पोस्टेड थे, तो जानकारी अभी सेना के माध्यम से प्राप्त हुई है कि वेदर कंडीशंस से सियाचिन के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। सारे इलाके में बहुत शोक की लहर है। जब भी छुट्टी आते थे लोग बताते हैं कि बहुत सबके साथ बहुत मिलनसार उनका व्यवहार था, और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे थे। भाई ज्ञान सिंह हमारे भाई हैं, इनके छोटे भाई ये दीवानचंद जी थे। बहुत दुखद घटना हमारे इलाके के लिए है और फ़ख्र भी इस बात का है कि हमारा भाई देश के लिए कुर्बानी दी है, शहादत दी है, इस बात का हमें फ़ख्र भी सबको महसूस होता है। परंतु जो कमी उनके जाने के बाद रहेगी वो तो क्षतिपूर्ति नहीं होगी। इतना ही कहना चाहूँगा मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से पूरी श्रद्धांजलि परिवार को समर्पित भी करता हूँ और बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि हमारा भाई देश के लिए शहीद हुए हैं, तो हमेशा के लिए उनका नाम अमर रहेगा। ये मैं आप